यीशु ही वायदा कीन हुआ मसीह आए। जब परमेश्वर ने संसार का बनाइस तब सब कुछ ठीक रहा, कौनो पाप ना रहा। आदम और हब्बा एक दूसरे का प्रेम करते और वही परमेश्वर का भी प्रेम करते, कौनो बीमारी या मौत ना रहा। परमेश्वर ऐसा ही संसार का चाहत है। शैतान ने सांप के माध्यम से बगीचा में हब्बा से बात की ने, कहे से कि वह वही का धोखा देव चाहत है। तब हब्बा और आदम ने परमेश्वर के खिलाफ पाप कीने, कहे से कि वही पाप कीन तय, यही खातिर जमीन में रहने वाले सब लोग मरत हैं। कहे से आदम और हब्बा ने पाप कीन तय, यही खातिर कुछ और भी बुरा भा, वही परमेश्वर के दुश्मन बन गए, जिसके परिणाम स्वरूप तब से हर एक आदमी ने पाप कीन है। हर एक आदमी जन्म से ही परमेश्वर का दुश्मन है। परमेश्वर और लोगन के बीच में शांति ना रही, लेकिन परमेश्वर शांति स्थापित करो चाहत है। परमेश्वर ने वादा कीन की हब्बा का एक वंशज शैतान के मूड़े का कुचड़ी, वह यह भी कहो है कि शैतान वह की एड़ी का डसी। दूसरे शब्दन में शैतान मसीह का मार डारी, लेकिन परमेश्वर वह का फिर से जी आए दई। यही के बाद मसीह शैतान की सामर्थ्य का हमेशा के खातिर समाप्त कर दई। कई सालन के बाद परमेश्वर ने प्रकट कीन की वह मसीह यीशु है। परमेश्वर ने नूह से एक नाव बनाव के खातिर कहिस, ताकि वह वही बाढ़ से अपने परिवार का बचा सके, जिसका परमेश्वर भेजे वाला रहा है। इन तना परमेश्वर ने उन लोगन का बचाई जो उन वही माँ विश्वास करते। इन तरह से सब परमेश्वर के द्वारा मार डारो जान के योग रहा है, कैसे कि सब ने पाप कीन थे, लेकिन परमेश्वर ने उन सबन का बचाव के खातिर यीशु का भेजिस जो उन वही पर विश्वास करते। सैकड़न साल तक याजक परमेश्वर के खातिर बलिदान चढ़ावत थे, यह दर्शावत है कि लोगन ने पाप कीन थे और वही परमेश्वर के द्वारा दंड कीन जाए के योग रहा है, लेकिन वही बलिदान उन्हें के पापन का क्षमा ना कर सकते। यीशु सबसे बड़ा महायाजक है, वही ने वह कीने जो उन कौनो भी याजक ना कर सकते, वही ने वह एकमात्र बलिदान हो के खातिर खुद का दई दीने जो उन हर कौनो के पापन का मिटा सकते। वह स्वीकार कीने की परमेश्वर सब लोगन के पापन के खातिर वही का दंडित करे। यही कारण यीशु सिद्ध महायाजक रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहिस, मैं तोरे द्वारा संसार के सबे कुलन का आशीष दई हूँ। यीशु यही अब्राहम का वंशज रहा है। परमेश्वर अब्राहम के माध्यम से सबे कुलन का आशीष देत, कहे से जौन यीशु पर विश्वास करत हैं परमेश्वर उन सबन का पापन से बचावत है। जब ये लोग यीशु पर विश्वास करत हैं तो परमेश्वर उन्हें का अब्राहम के वंशज मानत है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहिस कि वह अपन निज लड़का वही के खातिर बलिदान कर दे, लेकिन फिर परमेश्वर ने इसहाक के बदले में बलि करें के खातिर एक मेमना देने। हम सब अपने पापन के खातिर मार डारे जाएं के योग रहें, लेकिन परमेश्वर ने हमारी जगह में मारे के खातिर यीशु का बलिदान के रूप में देने। यह कारण से हम यीशु का परमेश्वर का मेमना कहत हैं। जब परमेश्वर ने मिस्र पर आखिरी विपत्ति भेजिस तो वह हर एक इजरायली परिवार से कहिस कि वह एक मेमना का बलि करें, वह मेमना में कौनो दोष ना हो चाही। तब अपने दरवाजे की चौखट के ऊपर और बगलन में उनका वही मेमने के लहू का लगावे का रहा है। जब परमेश्वर ने वह लहू का देखिस तो वह उन्हें के घरन से आगे बढ़ गया और उनके पैलौठन लड़कन का नाम आरस। जब यह भा तो परमेश्वर ने यही का फसह का त्यौहार कहिस। यीशु फसह के त्यौहार के एक मेमना की तरह रहा, वह कबहू पाप ना कीनते, यही खातिर वही में कौनो भी गलत ना रहा। वह फसह के त्यौहार के समय पे मरो जब कौनो यीशु पर विश्वास करत है, तब यीशु का लहू वह आदमी के पापन के कीमत चुकावत। या ऐसा है जैसा कि परमेश्वर वह आदमी के नेरे से आगे बढ़ गया, कहे से वह वही का दंड नहीं दियत है। परमेश्वर ने इजरायली लोगन के साथ एक वाचा बांधिस, कहे से हुई ऐसे लोग रहें जिनका परमेश्वर ने अपन हो के खातिर चुनौत है, लेकिन अब परमेश्वर ने एक ऐसी वाचा बांधिस
जो उनकी सबन के खातिर है। अगर कोनो भी जाति का कोनो भी आदमी या नई वाचा का स्वीकार करत है तो वह परमेश्वर के लोगन में मिल जात। परमेश्वर ऐसा यही खातिर करत कहे से वह यीशु पर विश्वास करत। मूसा एक ऐसा परमेश्वर का संदेश बतावे वाला रहा है जौन परमेश्वर के वचन का बड़ी सामर्थ्य के साथ है प्रचार करत है। लेकिन यीशु सब संदेश बतावे वाले में सबसे बड़ा रहा है। वह परमेश्वर है, यही खातिर जौन कुछ भी वह कीनेस और कहिस वह परमेश्वर के काम और वचन रहा है। यही खातिर पवित्र शास्त्र यीशु का परमेश्वर का वचन कहत है। परमेश्वर ने राजा दाऊद से वादा कीन तय की राजा के रूप में वही का एक वंशज परमेश्वर के लोगन पर सदा के खातिर शासन करी। यीशु परमेश्वर का लड़का और मसीह है, यही खातिर वह राजा दाऊद का वह वंशज है जो सदा के खातिर राज कर सकत है। दाऊद तो इज़राइल का राजा रहा है, लेकिन यीशु सारे संसार का राजा है। वह फिर से आई और हमेशा के खातिर न्याय और शांति के साथ अपने राज पर शासन करी। उत्पत्ति अध्याय 1-3, अध्याय 6, अध्याय 14 और अध्याय 22, निर्गमन अध्याय 12, अध्याय 20, दूसरा शमूएल अध्याय 7, इब्रानियों अध्याय 3:1-6 वचन, अध्याय 4:14 अध्याय 5:10 वचन, अध्याय 7:1 अध्याय 8:13 वचन, अध्याय 9:11 अध्याय 10:18 वचन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 बाइबिल के एक कथा।